सरकार पे कटाक्ष करते हैं, प्रदेश सरकार को लेकर के बातें कर रहे हैं। कल जनता ने उनको जवाब दे दिया है, जनता से कहा कि मैं आज आप सबके सामने इस्तीफा देने के लिए बात करता हूँ। जनता ने पलट के जवाब किया है, जवाब दिया है कि नहीं, ये सरकार अच्छी है और इस सरकार के रहते गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का, उपेक्षितों का सम्मान हो रहा है, काम हो रहा है। इसलिए जनता ने नकारा कि नहीं, आपको इस्तीफा नहीं देना है। जनता ने मैसेज दिया है, उसी से वो बौखलाए हुए हैं, बौखला गए, भाषणों में बौखलाए हैं राजभर जी। ये जनता ने पलटवार किया कि नहीं, इस्तीफा नहीं। जनता को लगता है कि ना गरीबों की सेवा हो रही है? आवास कौन दे रहा है, कौन दे रहा है शौचालय, कौन बिजली का कनेक्शन दे रहा है, कौन दे रहा है? योगी सरकार दे रही है, मोदी सरकार दे रही है, बगैर डिमांड के, बगैर डिमांड के आवास, शौचालय, बिजली का कनेक्शन। और बिजली जो एक जिला विशेष में जाती थी, आज उत्पादन क्यों बढ़ा है? उत्पादन बिजली की अधिकता होने के कारण, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी बिजली मिली हुई है, इसीलिए किसान की फसल लहलाई है और किसान की फसल की पैदावार बढ़ी। नहीं होती उनकी नाराजगी इतनी क्यों रहती है, क्यों लगातार वो बयान देते हैं? राजनीति में अभी अपरिपक्वता झलकती है। मैं ये सीधे कहूँगा कि जो गठबंधन धर्म निभाना चाहिए, या तो गठबंधन धर्म निभाना नहीं आता है तो रिजाइन करके अपने रास्ते पर चल देना चाहिए, लेकिन उसी थाली में खाते हो, उसी ताली में छेद करते हो। ये राजनीति का बहुत नज़रिया ठीक नहीं है राजभर जी का, ये नज़रिया ठीक करना चाहिए, गठबंधन धर्म को निभाना चाहिए और उल जलूल की बातें करने से पहले अपनी हैसियत और का अंदाज़ा लगाना चाहिए कि मेरी हैसियत क्या है। और उत्तर प्रदेश में जातवादी राजनीति करने वालों का हश्र किया हुआ है, मायावती और मुलायम सिंह का हश्र किया हुआ है। जब इन दो बड़े धुरंधरों का हश्र जमीन में जाके सिमट गया है और बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, अब ये छोटे छोटे दल, छोटे छोटे नेता जाति आधार लेकर राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जनता को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं और जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। पद में रहते हुए भी जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं।